ISA activists on Wednesday staged a demonstration against the way government is dealing with ongoing violence in Kashmir. अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पहला रिस्पांस ये नहीं हो सकता गोली चलाना। वहाँ पे जिस तरह से आप कश्मीर में देखते हैं कि लोग जो ही प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर आते हैं, लोग जनाजे के लिए भी बाहर आ रहे हैं, तो उन पर भी गोली चलाई जाती है, ये कोई रिस्पांस नहीं हो सकता। और इसके खिलाफ आज दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, कल कलकत्ता में प्रोटेस्ट होगा, परसों बेंगलुरु में प्रोटेस्ट होगा। सब जगह पर जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि इस तरह से आप नहीं कर सकते, यू हैव टू हैव सम रिगार्ड फॉर ह्यूमन राइट्स। और एक अगर मास मूवमेंट चल रहा है उसमें आप आर्मी और लोगों को आपस में नहीं लड़ा सकते हैं, या CRPF और लोगों को आपस में नहीं लड़ा सकते हैं। इसका एक पॉलिटिकल सोल्यूशन जो है, पॉलिटिकल क्लास को निकालना पड़ेगा, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनको लोगों से बात करनी पड़ेगी, उसका पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स रिपीटेडली होते रहेंगे, दोनों तरफ की जाने जाती रहेंगी और कुछ उससे मिलेगा नहीं। The rest of Kashmir Valley, battling the deadliest spell of violence in years, appeared calm but tense on Wednesday amid sporadic incidents of stone pelting clashes, even as the large areas continued to be under strict curfew for the fifth day. INS report.